बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम C++ ट्यूटोरियल सीरीज़ की इस वीडियो में वेरिएबल्स एंड आउटपुट के ऊपर बात करेंगे कि C++ लैंग्वेज के अंदर किस तरह से वेरिएबल्स को लिया जाता है और किस तरह किसी भी ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद उसकी आउटपुट ली जाती है। उससे पहले मैं उम्मीद करूँगा कि आप ने इससे पहले जो हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम किया था वो आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, आपने कंपाइलर को भी डाउनलोड करके उसको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को प्रैक्टिस की होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मेरी तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के बाद उसको अपलोड करूँ और उसके बाद आपको मैसेज करके इसका बता सकूँ। तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, तो आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल, हमारे पास C++ लैंग्वेज में क्या होता है। वेरिएबल इज़ इन C++ इज़ समथिंग डैट स्टोर्स डेटा। हम थोड़ी सी थ्योरी करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा वर्किंग के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। C++ लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो कि डेटा को स्टोर करती हैं। तो वेरिएबल को यूज़ करने से पहले आपने उस वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना होता है, यू हैव टू डिक्लेयर इट। जब आप इसको डिक्लेयर करवा लेंगे तो होगा ये कि आपका जो कंप्यूटर होगा वो कुछ मेमोरी उस वेरिएबल के लिए असाइड साइड के ऊपर कर देगा, उसको मतलब आपके उस वेरिएबल को असाइन कर देगा कुछ मेमोरी। वेरिएबल्स की अपनी कुछ डेटा टाइप्स होती हैं और हर डेटा टाइप के साथ एसोसिएटेड एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, तो उनको हम देखते हैं। तो हर डेटा टाइप के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ खास उसके साथ एक मेमोरी एसोसिएटेड। हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तीन डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास एक सबसे पहले INT जिसको आप इंटीजर डेटा टाइप कहते हैं, उसके बाद आपके पास डबल डेटा टाइप है, देन आपके पास फ्लोट है। तो आप इन तीनों, अगर आप इंटीजर को देखें तो आपके पास 4 byte स्पेस एक इंटीजर के लिए होती है, उसके अलावा डबल आपको 8 byte स्पेस आपको देता है। इन द सेम वे आपके पास अगर फ्लोट है तो आपके पास 4 bytes होती हैं, लेकिन अगर आप फ्लोट को यूज़ करते हैं तो उसमें आप डेसिमल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई पॉइंट किस ऐसी कैलकुलेशन करनी है जिसमें आपके पास डेसिमल या पॉइंट आ रहे हैं तो आपको उसके लिए फ्लोट को यूज़ करना होगा। अगर आप इंटीजर्स करेंगे तो डेफिनेटली वो वर्क नहीं करेगा। उसके साथ साथ एक छोटी सी और चीज़ कि आपके पास कमेंट क्या चीज़ होती है। किसी भी C++ प्रोग्राम के अंदर आप कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट बेसिकली एक ऐसी लाइन या एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको कंपाइलर रीड नहीं करता, मीन कि वो आपने जो लाइन होती है वो सिर्फ और सिर्फ यूज़र को बताने के लिए, जिसको आपने अपना प्रोग्राम देना है उसको बताने के लिए कि मैंने इस स्टेटमेंट, ये जो नीचे प्रोग्राम है या इससे ऊपर जो प्रोग्राम है, ये जो लाइन है इसके अंदर मैंने क्या करने की कोशिश की है या मेरा मकसद इससे क्या लेना है। तो उस स्टेटमेंट की या उस प्रोग्राम की पोर्शन की एक्सप्लेनेशन आप कमेंट के अंदर कर सकते हैं ताकि जो यूज़र होगा या जो प्रोग्राम को यूज़ कर रहा होगा वो उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंडिंग उसके लिए आसान हो जाए। तो दो तरह के आपके पास कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट भी होता है, मल्टीपल लाइन कमेंट भी होता है। तो अगर आप सिंगल लाइन कमेंट देते हैं तो आपने डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करनी और उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो कमेंट में आएगा, उसको प्रोग्राम रीड नहीं करेगा, रीड नहीं करेगा। इन द सेम वे अगर आपने एक से ज़्यादा लाइंस के अंदर अपने कमेंट को लेके जाना है तो आप सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टेरिक को यूज़ करेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे मल्टीपल लाइंस के ऊपर आप अपना कमेंट लिखते जाएं और उसके बाद एट दी एंड आप क्या करें, स्टेरिक के बाद आप फॉरवर्ड स्लैश लिख देंगे तो वहाँ पर कमेंट एंड हो जाएगा। तो आपके पास फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक से कमेंट स्टार्ट होगा और स्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश से आपका जो कमेंट होगा वो आपके पास स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद आपका ओरिजिनल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जिसको कंपाइलर ने रीड करना होगा। सो हम वर्किंग की तरफ आते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया है और उसके बाद हमने उसकी आउटपुट ली है। देखते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले ये जो दो आपके पास लाइंस हैं ये एज इट इज़ जिस तरह से आप इनको इससे पहले हर C++ प्रोग्राम में लिखते हैं आप इसको यहाँ पे लिखेंगे।
उसके बाद आपके पास मेन फंक्शन है, उसके अंदर आपने ये अपना एक छोटा सा प्रोग्राम आपने लिखा है। तो अब आप इसको यहाँ पे देखिए कि इंटीजर एक्स, आपने एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया और इसको जो डेटा टाइप असाइन की वो आपने इंटीजर डेटा टाइप असाइन की, जिसको हमने इससे पहले अभी इसी वीडियो के अंदर हमने अभी स्टडी कर लिया। तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू डिफाइन करें कि आपके पास जो एक्स है वो 10 के इक्वल है, मतलब आप इसके बाद अब ये एक्स को वैल्यू जो है वो असाइन हो चुकी है 10। अब क्या होगा, आपने सी आउट स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद आप लिखेंगे एक्स इज, थोड़े से स्पेस देंगे और उसके बाद लिखेंगे एक्स। अब आप यहाँ पे जो आपने नोट करना है वो ये करना है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्स इज लिखा हुआ है ये हमने कोड्स के अंदर लिखा है, और हमने यहाँ पे जो एक्स लिखा है ये हमने कोड्स के बगैर लिखा है। तो अब ये क्या होगा, आपने इससे पहले ये स्टडी कर लिया कि कोड्स के अंदर जो लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, तो कोड्स के अलावा अगर आप यहाँ पे एक्स लिख देते हैं तो इससे हमारी क्या मुराद है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, एक्स एज एक्स प्रिंट नहीं हो जाएगा, एज अ वर्ड एक्स प्रिंट नहीं हो जाएगा, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। कौन सी वैल्यू, वो वैल्यू जो हमने इससे पहले इसको असाइन की है, मीन कि एक्स इज इक्वल टू 10, ये जो 10 है हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम जब रन होगा तो उसके नतीजे में हमें जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी एक्स इज उसके बाद स्पेस 10, एक्स इज 10, ये हमें इस प्रोग्राम की आउटपुट मिलेगी। तो हम इसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। सो ये हमारे पास कंपाइल एंड रन, और हमारे पास ये स्क्रीन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको एक्स इज 10, तो ये आपको इस प्रोग्राम की आउटपुट मिल गई है। तो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, लेट्स से कि हम कहते हैं एक्स इज 5, हम यहाँ पे इसको 5 कर देते हैं, ऊपर हमने इसकी जो वैल्यू असाइन की वो हमने 5 की है। तो अब इसको रन करते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स इज 5, सिंपल। तो इन द सेम वे अगर आप यहां पे लिखते हैं एक्स इज 5.6, अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। सो एक्स इज 5, एक्स इज 5, जबकि हमने यहां पे लिखा था एक्स इज 5.6, एक्स की वैल्यू हमने 5.6 असाइन की, लेकिन हमें यहाँ पे जो मिला वो मिला x की जो वैल्यू मिली हमें वो 5 मिली। तो क्यों, आप ज़रा इसको देखिए, पिछले जितने भी मैंने कुछ वर्ड्स बोले हैं, जो भी इससे पहले हमने अभी इसी वीडियो के अंदर हमने जो स्टडी कर लिया है उसको ज़रा आप रिकॉल करें और सोचें कि ये x इज 5 क्यों आ रहा है, 5.6 क्यों नहीं आ रहा। तो तब तक हम अगले प्रोग्राम में जाते हैं, शायद हमें वहाँ पर इसका आंसर मिल जाए। लेकिन आपको मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा खुद इसको सोचें, और अगर सोचें और अगर नहीं आपको समझ आ रही तो पीछे चले जाएं, इस वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा इसको देखें कि ये 5 क्यों आ रहा है, 5.6 क्यों नहीं आ रहा। सो मैं यहाँ पे इसको एज इट इज कर देता हूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम। सो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसके बाद हम इसको एक और प्रोग्राम लेंगे, और वो प्रोग्राम हमारे पास, हमने दो वेरिएबल्स को लेना है और उसके बाद उनको एडअप करना है और उसके रिजल्ट में हमें आंसर मिलेगा। सो इंटीजर एक्स, वाई एंड जी, हमने ये तीन इंटीजर्स को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, इंटीजर एक्स, वाई एंड जी। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर एक्स, वाई और जी तीन वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमने एक्स को एक वैल्यू असाइन कर दी 10, वाई को वैल्यू हमने असाइन की 20, और उसके बाद हमने जी को कहा, उसको वैल्यू ये असाइन की कि एक्स प्लस वाई जो होगा वो जी होगा, मीन कि हम एक्स और वाई के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड हैं उनको हम एडअप करवाना चाह रहे हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट ली है और उसमें यह है कि एक्स, अब ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब यहाँ पे 10 लिखा हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको प्लस कर दिया, और अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो आप इसको यहाँ पे प्लस का साइन भी डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज प्लस का साइन प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने इससे प्लस लिखा है तो आपके पास प्लस प्रिंट हो जाएगा। वाई, यहाँ पे आपकी वाई की वैल्यू होगी डेट इज 20, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इक्वल्स है तो आपका इक्वल्स एग्जैक्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा विद स्पेस उसके शुरू में भी और उसके आखिर में। और जी, अब जी क्या होगा, जो कि इन दोनों को एडअप करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इसके जी के अंदर सेव होगी और वो सेव्ड वैल्यू आपके पास यहाँ पे प्रिंट होगी, मीन कि आपके पास 10 एंड दिस इज 30, तो आपके पास यहाँ पे जी की वैल्यू 30 प्रिंट हो जाएगी। तो आपके पास जो आउटपुट स्टेटमेंट आएगी वो ये लिखा हुआ आएगा कि 10 स्पेस प्लस स्पेस वाई,
y इज योर 20, 10 प्लस 20 इक्वल्स 30, ये आपके पास स्टेटमेंट आएगी। हम इसको रन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या। सो ये हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट है, 10 प्लस 20 इक्वल्स 30। तो हम यहां पे लेट्स से कि हम इसको 20 प्लस 20 कर देते हैं, हम यहां पे 20 करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। 20 प्लस 20 इक्वल्स 40। तो इस तरह से हमारे पास एडिशन का कोई अगर आप प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से दो वैल्यूज को आप यहां पे ऐड अप कर सकते हैं और इस तरह से ये काम होगा। अब आपका टास्क ये है कि आप इस डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप इन चीजों इसकी एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज को लें और उसके बाद आप इसको देखें कि किस तरह से काम करेगा। लेट्स से कि मैं इसको इसी प्रोग्राम को दोबारा यहां पे 10.20.6 कर देता हूं और उसके बाद मैं इसको रन करता हूं, तो आप देखते हैं कि हमें इसका आंसर क्या मिलता है। तो 20 प्लस 20 लिखा हुआ आ रहा है, 20.6 लिखा हुआ नहीं आ रहा। इन द सेम वे जब उसने एड अप किया तो हमें 40.6 नहीं दे रहा, हमें 40 दे रहा है। अगेन आप सोचें कि इस तरह से क्यों है, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम को हम यहां पे देखते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहा है। ये हमारे पास फिर वही बात कि तीन वेरिएबल्स हमने यहां पे डिफाइन किए और तीन वेरिएबल्स को हमने डिफाइन करने के बाद उनको इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर कर दी उनकी और उसके बाद हमने यहां पे लिखा x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 6, इनको दो वैल्यूज असाइन कर दी x और y को और उसके बाद हमने x डिवाइडेड बाई y हमने किया, x डिवाइडेड बाई y। तो आप जरा अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर या खुद से आप इसको कैलकुलेट करें और आप देखें कि आपके पास आंसर क्या आता है। फिर वही बात, सी आउट स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय लिखा हुआ आएगा, y की वैल्यू आपको यहाँ पे आएगी और उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स आएगा लिखा हुआ और उसके बाद आपके पास यहाँ पे z की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। सो 20 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स 3। तो क्या 20 डिवाइडेड बाय 6 का आंसर आपके पास 3 आता है? तो अगर नहीं आता तो फिर वही बात कि अगर आपका आंसर अपने कैलकुलेटर के ऊपर पॉइंट्स में आ रहा था तो यहां पे हमें पॉइंट्स नहीं मिल रहे। तो जस्ट आप सोचें ये किस तरह से ये क्यों हो रहा है और उसके बाद थोड़ी देर इस वीडियो को आप पॉज करें, सोचें और अगर आप इसको इसका आंसर आपको नहीं मिल रहा तो फिर उसके बाद आप देखें कि हम इसका आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं। सो इसका आंसर ये है कि आपके पास यहाँ पे जो डेटा टाइप आपने असाइन किया है इसको x, y और z को डिक्लेयर करवाया वो इंटीजर के तौर पे करवाया है। तो इंटीजर्स के अंदर प्लस और माइनस में आपको वैल्यूज मिलेंगी लेकिन डेसिमल्स नहीं मिलेंगे, फ्रैक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। सो अगर आप बात करें तो आपको फ्लोट डेटा टाइप यूज करनी पड़ेगी जिसके अंदर हमने डेसिमल्स को डिक्लेयर करवाया था, जिसके अंदर आपको डेसिमल्स मिलेंगे। सो आप जस्ट पहली दो स्लाइड्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां आपको आपको यही चीज मिलेगी, फ्लोट के अंदर आपको डेसिमल मिलते हैं। सो हम इसको अब रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिल रहा है। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं 20 by 6 = 3.333 समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप डेटा टाइप में फ्लोट यूज करेंगे तो आपको डेसिमल्स में आंसर मिलेंगे, अदरवाइज इसको ये राउंड ऑफ करने के बाद जो मैक्सिमम इसको आपको आंसर मिल रहा है वो आपको दे देगा या जस्ट आपको 3 पुट करेगा, पॉइंट्स के बाद सब चीजों को इग्नोर कर देगा अगर इंटीजर डेटा टाइप अगर आप यूज करेंगे तो। फ्लोट यूज करेंगे तो आपको डेसिमल्स मिलेंगे। इसी तरह से चलिए अब हम इससे जो बाकी प्रोग्राम्स हैं हम उनमें भी एज इट इज इसी फ्लोट की कमांड को यहां से हम कॉपी कर लेते हैं बजाय दोबारा लिखने के। आप यहां पे इंटीजर के बजाय यहां पे आप कंट्रोल वी कर दें, इसको पेस्ट फ्लोट। अब आपने यहां पे 20.6 तो अब हमें देखते हैं कि कंट्रोल एस करने के बाद हम इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिलता है। अब आप यहां पे देख सकते हैं 20.6 + 20.6 = 41.3, जो भी इसका आपको आंसर मिल रहा है वो पॉइंट में मिल रहा है क्योंकि हमने अब फ्लोट डेटा टाइप हमने यहां पर यूज कर लिए। इन द सेम वे आप यहां पे आ जाएं तो इसको यहां पे आप फ्लोट कर लें और उसके बाद आप यहां पे 5.728 करने के बाद आप इस तरह से करें और उसके बाद यहां पे देखें
इसको रन करते हैं और अब देखते हैं कि हमें 5.78 अब हमें वैल्यूज मिल रही हैं पॉइंट्स के अंदर। सो उसके लिए आपको फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करनी होगी और द सेम पे बाकी डेटा टाइप्स। इंटीजर जब आप यूज़ करेंगे तो इस तरह से करेंगे। सो अब इन तीन प्रोग्राम्स की जो C++ फाइल्स हैं इनको मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इनको अपलोड करने के बाद आपको लिंक दे दूंगा, आप यहां से इनको डाउनलोड कर लें और उसके बाद अपने कंपाइलर्स के अंदर आप इनको रन करें और उसके बाद देखें कि आपके पास आंसर्स क्या आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आप इस तरह से भी करें कि आप नए प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करें। आप इसको प्लस साइन के साथ आप इसको एडिशन का प्रोग्राम इसके लिए बनाएं, आप सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम इसके लिए बनाएं, इन द सेम वे आप डिवीजन का प्रोग्राम खुद से बनाएं, इन द सेम वे अगर आप और करना चाह रहे हैं तो इस तरह से बहुत से प्रोग्राम्स अगर आप इसको बना के और इसको वेरिएबल्स और आउटपुट लेना चाहें तो आप ये काम करें ताकि आपकी इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा एक और असाइनमेंट के तौर पे जो मैं आपको काम दे रहा हूँ वो ये है कि आपने इन तीन प्रोग्राम्स को आपने एक प्रोग्राम के अंदर लिखना है। लेट्स से कि उसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि आपके पास ये एक प्रोग्राम है, आपके पास कुछ इस तरह से हो कि आपका ये प्रोग्राम डिवाइड करके तो इसने आंसर हमें दे दिया, एक्स और वाई को एडअप भी करें, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई भी करें और एक्स और वाई को सब्ट्रैक्ट भी करें और उसके बाद हमें तीनों आंसर दे कि x डिवाइडेड बाई वाई 20 डिवाइड बाई 6 इज दिस, 20 प्लस 6 इज दिस, 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज दिस एंड 20 माइनस 6 इज समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका काम करे, ये आपकी असाइनमेंट है, आप इसको करें और उसके बाद देखें कि आपको किस तरह से ये चीज़ें मिल रही हैं और इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।